उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं विभिन्न तरीके से वोटरों को लुभाने में लगी है। वहीं उनके विधायक डराकर वोट लेना चाहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवरिया जिले के बरहज विधानसभा की। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप खुद सुनिए प्रत्याशी की बातें। प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सब बाहर की भीड़, रुपए की भीड़, पैसे की भीड़, दारू की भीड़ है, तो गरीब जनता का कहना है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। इन्हन का खटिया वैसे खड़ी हो गई, अब बिस्तरा गोल हो गई। गोपाल निषाद की पत्नी निर्मला देवी को कोई जीतने से रोकने वाला नहीं, यही ना खटिया बढ़ गई। हमारे चुनाव का प्रमुख मुद्दा यही है, योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी सुधर जाए नहीं तो प्रदेश छोड़कर भाग जाए, और उनका विधायक कहता है कि हमसे बड़का गुंडा कौन है। इसी नाते बरहज को कहीं गुंडों की नजर न लग जाए, हमको नजर न लग जाए, मैं यह माला नींबू और मर्चे की माला पहन करके बरहज नगरवासियों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए इसी को मुद्दा बना रखना। स्लोगन आपने लगाया है कि बरहज को शिखंडी बनने से बचाएं, इसका क्या मतलब है? हमारे विधायक जी ने कहा कि हमारे प्रत्याशी के अलावा दूसरा कोई जीत गया तो मैं बरहज के चेयरमैन को शिखंडी बना दूंगा। ये जनता जो यहाँ इकट्ठी है, हुजूम इकट्ठा है, तो क्या लग रहा है कि जनता अगर आपको साथ देगी तो आप चेयरमैन होने के बाद इनका विकास करेंगे? देखिए, चेयरमैन बनने के बाद हमको होटल नहीं बनवाना है, हमको सिनेमा हॉल नहीं खरीदना है, हमको गरीबों को आवाज देना है, शौचालय देना है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं ईमानदारी से यदि बांट दूंगा तो भी गरीबों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अमीर लोग नगर पालिका को लूटने के लिए मुर्गा दारू रुपए का सहारा ले SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।